हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंक केशुफिल्म्स व्लॉग्स। एंड दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से नैनीताल बस के थ्रू। अभी हम लोग खड़े हैं ईडीएम मॉल में, मेरे साथ है आदि, हेलो, विकास सर, जावेद सर। आज है 14th of June, टाइम हो रहा है अराउंड 10:30। अभी बस जो है वो गेट पे आने वाली है, जस्ट हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और मैं आपको बताऊंगा कि एक पल बता हम कैसे कैसे जाएंगे सब कुछ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you, 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 you. You begged me to come up with you. सो दोस्तों हमने अभी भी जस्ट बात करी है कंडक्टर से, उन्होंने बोला कि कजरोला के स्टॉप आएगा 2.5 घंटे बाद अराउंड, वहाँ हमको मतलब स्टॉपेज उतरना है, मतलब थोड़ा डिनर करने के लिए उसके लिए। एंड अभी मैं चेक करके आया हूँ तो वॉशरूम काफ़ी मतलब अच्छा है, बट एक नंबर कर सकते हैं आप, एक नंबर समझ कर गया नंबर, एक नंबर एजाज खान वाला, एक नंबर। अभी हम लोग सबके सब एक ही रूम में है, हमारा एक रूम अभी बगल में खाली पड़ा हुआ है, जिसमें भी हम दोनों को वहाँ पे जाएंगे, दोनों के अंदर में जैसे होटल। एसी का मतलब पूरा बंदोबस्त है, चार्जिंग पोर्ट है, आराम से चार्जिंग पोर्ट है, एसी है, वाटर डिस्पेंसर है। तो दोस्तों के पीछे लेटे हुए थे, मैं थोड़ा आगे बैठने के लिए आ गए हैं। बेसिकली मैं अभी पूछूंगा लोगों, मतलब जावेद सर, विकास सर, आदित्य से, कि मतलब बैठ के अगर एक्सपीरियंस अच्छा है या लेट के अगर अच्छा एक्सपीरियंस है। लेटना बहुत कम्फर्टेबल है, यहाँ पे स्पेस है, अच्छा है, बैठने लायक है, कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा है। लेटना अच्छा है, लेटना अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। ठीक है, लेटने में जो मज़ा है वो बैठने में। अच्छा, लेटना बहुत जरूरी है, शरीर का पूरा रिलैक्स चाहिए, तो पूरा आप पीछे जाके स्लीपर में लेटिए, बहुत ही कम्फर्टेबल सीट है। एंड दोस्तों मेरी भी राय यही है कि मतलब ज़्यादा लेट में अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, हमें सोना भी होता है रात को, तो हम चारों की राय ये है कि हम लेट के मतलब सफर कटाई करें, इसलिए हम टिकट भी हमें लेट नहीं लिए। तो दोस्तों ये बज रहे हैं रात के 1:40 एंड हम लोग कहीं रुके हैं यहाँ पे। एंड मैं और आदि ये रहे, आदि भी फोटो वोटो क्लिक कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है और हमको ब्लॉगिंग के लिए मेन लाइटिंग ही चाहिए होती है। एंड देखिए काफ़ी मतलब आपको नींदे भी हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सो भी गया था, अभी तो सोए, बस ये खाएंगे एंड उसके बाद हम सुबह सुबह पहुँच जाएंगे अराउंड सिक्स पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ से टैक्सी वैक्सी होगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए हम लोग अभी हाईवे पे हैं, पूरा देखिए पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं काफ़ी तेज़, बहुत ही मस्त, बहुत सही जगह है अभी ये वाली। दोस्तों इस वक्त हम बैठे हैं शिवा ढाबा में एंड यहाँ पे लोग चाय वाय पी रहे हैं एंड नाश्ता, अभी नाश्ता नहीं खाना खा रहे हैं, एक तरह से खाना ही हो सकता है। रात के अराउंड 2 बजने बज गए हैं ऑलमोस्ट। एंड ये जावेद सर, मैं, मीरा, आदि और विकास सर बिल्कुल रेडी है, अभी काफ़ी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30 और टाइमिंग 6:30 पहुँच रही है, हम लोग पहुँच रहे हैं। पीछे हमारी टैक्सी, इस टैक्सी से हम लोग जाएंगे नैनीताल। और अभी हम लोग हैं काथगोडाम में, तो यहाँ पे मौसम इतना प्यारा हो रहा है, मतलब हवा चल रही है, पीछे देखिए पहाड़ी है हमारे, यादियों में विकास है, जावेद साहब थोड़ा मतलब फ्रेश होने के लिए गए हुए हैं। एंड पीछे देखिए जल्दी पहुँचा दिया। अब बस मौसम का मजा ले रहे हैं और अब जाएंगे टैक्सी के, टैक्सी से मतलब नैनीताल फिर पहुँचते हैं, एंजॉय करते हैं, बताते हैं। You beg me to come with you, 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 you. I don't
तो अभी हम बीच में थोड़ा रुक गए हैं एंड बहुत ही मतलब ऑसम व्यूज, बहुत ऑसम मतलब व्यू है, बहुत मजा सा आ रहा है, मतलब पवित्र पवित्र लग रहा है, बिल्कुल ठंडा 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 एंड कुछ दिन पहुंच जाएंगे हम लोग अपने कॉटेज में। थोड़ी फोटो मैं खींच फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन फोटो आपको मिलेगी सिर्फ इंस्टाग्राम पे, सो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि मेरे यहाँ फॉलोअर बड़े कम पड़ रहे हैं। हाँ, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इसको फॉलो कर लेना। अब देखते हैं, अब हम थोड़ी फोटो क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग अब आ गए हैं जो नैनीताल का हमारा बस स्टैंड मेन है वहाँ पे आ गए हैं एंड यहाँ से अभी 2.6 किलोमीटर दिखा रहा है जहाँ हमें जाना है। ठंडा ठंडा हवा दोस्तों, पीछे देखिए मतलब ये रहा नैनीताल, और पीछे क्या देखिए, ये देखिए नीचे मछलियाँ, मतलब मछलियाँ हैं, बिल्कुल पवित्र पवित्र माहौल हो रहा है। हम लोग अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से होटल के लिए। ठीक है I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begged me to come away. ये वाला रूम मिला है हम लोग अभी जस्ट हमने एंटर किया है रूम में। एंड ये देखिए आप कैसा रूम है, बहुत ही प्यारा रूम है। एंड यहाँ पे फैन और एसी मतलब नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है। तो ये रूम हमें बेसिकली मिला है, हमारा फ्रेंड है आदि, आदि की मतलब मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो उसके थ्रू हमको रूम मिला है। तो विकास से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मस्त है। और रूम भी हम लोग को बहुत मस्त है और वीआईपी रूम दिया गया है। हाँ, एंड ये हमारा बालकनी है, यहाँ पे चेयर्स हैं, चेयर्स है, तीन तीन का। जब से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लोकेशन है देखो, गाइस देखिए लोकेशन पूरे नीचे तक ले अच्छे, बहुत ही मस्त लोकेशन को रूम मिला है, बहुत मस्त। आदि की मम्मी के रेफरेंस से मिला, अच्छा सरप्राइज हो गया। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग हैं थोड़ा नहा वाले हैं, फ्रेश हो गए हैं। एंड ये देखिए चाबी यहाँ की, रूम नंबर 4। सो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तो कुछ खाने पीने के लिए बाहर। विकास से फ्रेश हो गए, सब फ्रेश हो गए, मतलब कूल कूल लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं देखो लग भी रहा हूँ साइड, बिल्कुल खाने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा खाने पीने जा रहे हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। इस वक्त हम लोग हैं बड़ा बाजार में, ये मार्केट जो है हमारे जस्ट होटल के बगल में ही है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ खाने पीने के लिए, खा लिया है। एंड नाउ हमारा इवनिंग का प्लान है कि हम लोग यहाँ पे दोबारा आएंगे लौट के, बिकॉज ये बहुत बिल्कुल नियर बाय है। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें जब अभी जस्ट गए थे तो ये नीचे उतर रहे थे एंड चढ़ते थोड़ी ऊंचाई सी है, और खाना हम जानते हैं यहाँ खाना खाने के बाद थोड़ा पेट फुल हो जाता है, थोड़ा मतलब टफ भी हो जाता है चलने ऊपर तरफ। तो अभी हमारा प्लान है कि हम जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन इवनिंग में दोबारा आएंगे इसी मार्केट में और एक्सप्लोर करेंगे। थकावट बॉडी का है ये इंतजार, थकावट विकास सर को हुआ ऊंचाई से प्यार, थकावट आज देखते हैं चढ़ चढ़ के हम करके यहाँ प्यार। दोस्तों देखिए हमने ये सॉन्ग ही पे एक नया बना दिया इस रास्ते के लिए, बिकॉज यहाँ चढ़ के थोड़ा थकावट हो जाती है। आदि कैसा लग रहा है चढ़ के ऊंचाई? बहुत ही अच्छा, दूसरी बार चढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम, एक दिन में 2 बार, थर्ड टाइम चढ़ेंगे देखते क्या होता है, लेकिन हालत तो देख ही रहे हो। हाँ भगवान, राम राम राम। अरे
हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बहुत रेस्ट वेस्ट करके फाइनली कुछ चाय पीने के लिए आए हैं बाहर, एंड मतलब बहुत सुस्ती सी आ रही है. अभी चाय पीने फ्रेश हो जाएंगे. ये तो ना सोता है, नींद पूरी होनी चाहिए सोने से. हम चढ़ाई बहुत ज्यादा है, इसमें उड़ने उल्टा किया है. ऊपर पहले ही ऊपर आ गए, नीचे की तरफ जाएंगे. थोड़ा बॉडी को रेस्ट, दिमाग तो हम यूज करते रहते हैं. तो दोस्तों अभी हम लोग छोटे पहाड़ है, ये एक वहाँ पे आ गए हैं, एंड बड़ी फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं. ये आधी फोटो क्लिक कर रहे हैं. यहाँ पे एक सॉन्ग भी हमने निकाला है. हाँ, हमने एक सॉन्ग निकाला है, बड़ा अच्छा सॉन्ग. अपने सुनाई देता हूँ. हाँ, थकावट 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 है जिंदगी. Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. You begging me to come out with you. तो दोस्तों हमारी कमांडो तैयार है गुलाम को उतरने के लिए. एक बार एंड इस बार हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल प्यारे प्यारे पानी में. लास्ट टाइम गए थे मतलब बहुत उस वाले पानी में, खतरनाक वाले, लास्टिंग वाले. जिंदगी और मौत से खेला था, लेकिन ये तो छोटा सा है हम लोगों के लिए. तभी खतरनाक होता है. हाँ, सब लोग डरे हुए, खाली मैं ही एक दबंग हूँ अभी. तो चलिए दिखा दो पानी के शॉट्स. तो दोस्तों इस वक्त हम लोग नाव चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, एंड मैं और जावेद सर एक साथ हैं. एंड जावेद सर ये रहे. हेलो गाइस, हेलो हेलो. एंड विकास सर और आदि जो है वो दूर में चला रहे हैं. आप तो जानते हैं कि मैं तो दबंग हुई. It's the motherfucking Eagle Double G.